रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.4। ये इस माह का हमारा पहला है, दूसरा लेक्चर। तो इसमें पहला सवाल है, इसमें दिया गया है ए इज़ इक्वल टू 234 155 455 493 और बी की वैल्यू दी गई है 015 236 and 14 -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। तो पहला पार्ट इसमें कहते हैं कि ए प्लस बी मालूम करो, यानी कि ए और बी इन दोनों को आपस में जमा कर दो। तो जमा कैसे करना होता है, मैट्रिक्स में आप होता है कि जो पहली एंट्री होती है उसको पहले में, दूसरी वाली को दूसरी में, तीसरी वाली को तीसरी में, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड कर देना है। तो 21 ऐड हो जाएगा 0 के अंदर, 3 ऐड हो जाएगा 1 के अंदर, इसी तरीके से 4 ऐड हो जाएगा 5 के अंदर, फिर 1 को 2 में, 5 को 3 में, फिर 5 अगला एक्स वाला जिसको 6 में ऐड कर देंगे, इसी तरीके से 4 को 1 में, फिर 9 को 4 में और 3 को -2 में ऐड कर देना है। तो इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास उसी तरीके से जिस तरह आपको मैंने बताया ऐड किया गया, तो 2 + 0 2, 3 + 1 4 4 + 5 9, 1 + 2 3 and 5 + 3 8, 5 + 6 11, 4 + 1 5 9 + 4 13 एंड 3 - 2 = 1। बच्चे इसी तरीके से ये इसका आंसर होगा, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कहते हैं कि ए माइनस बी मालूम करें, इनके बाद आपने ए में से बी को माइनस कर देना सिंपल, इसी तरह जिस तरह आपने पहले वाला ए को प्लस किया था, बी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को उसके कॉरस्पॉन्डिंग में माइनस करेंगे। 2 में से माइनस कर देंगे 0 को, 3 में से माइनस कर देंगे 1 को, 4 में से माइनस कर देंगे 5 को, इसी तरीके से 1 में से माइनस करेंगे 2 को, 5 में से माइनस करेंगे 3 को, नेक्स्ट वाले 5 में से माइनस करेंगे 6 को, 4 में से माइनस कर देंगे 1 को, 9 में से माइनस कर देंगे 4 को, और 3 में से जब माइनस माइनस आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 - 0 = 2 आ जाएगा, 3 - 1 फिर 2 आ जाएगा, 4 - 5 ये माइनस का 1 क्योंकि माइनस वाले बेटर कम है, इसी तरीके से 1 - 2 यानी कि -1, फिर 5 - 3 2, 5 - 6 - 1 और इसी तरीके से आ जाएगा आपके पास 4 - 1 3 और 9 - 4 5 3 + 2 5। जी बच्चे क्लियर है, इसी तरीके से ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिक्स पार्ट, इसमें बच्चों आप कहते हैं कि ए इसमें से माइनस करें 2b को, तो यहाँ पे जो b है उसके साथ आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर a में से उसको माइनस कर देना है। तो ए की रकम आपने ऐसे ले लेनी है 2 3 4 1 5 5 4 9 3, माइनस का 2 एसटीज और आगे बी की रकम। अब पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, इसी तरीके से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 एंड 2 को -2 के साथ किया तो -4। अब पहले मैट्रिक्स में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, तो 2 में से माइनस करेंगे, माइनस उसी तरीके से करना है जिस तरह पीछे आप करते आए हैं, 2 में से 0 को माइनस करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, 4 में से 10 को माइनस करेंगे आंसर -6 क्योंकि माइनस वाले बेटर कम है, 1 में से माइनस करेंगे 4 को तो आंसर -3 आ जाएगा, 5 में से माइनस करेंगे 6 को तो आंसर -1 आ जाएगा, इसी तरीके से 5 में से माइनस करेंगे 12 को तो आंसर आ जाएगा -7, 4 में से माइनस करेंगे 2 को तो आंसर आ जाएगा 2, 9 में से माइनस करेंगे 8 तो आंसर आ जाएगा 1, 3 में से माइनस करेंगे 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 ये भी 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ है बच्चों, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जी। इस अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। सिंपल पहले इसका मतलब समझें क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है जमा, और इनवर्स यानी कि ऐड का उल्ट काम करना है, ऐड वोल्ट यानी कि माइनस, प्लस का उल्ट क्या होता है माइनस। तो कैसे करते हैं एडिटिव इनवर्स मालूम, तो आपने सिंपल सा काम है कि जो रकम जो एंट्री प्लस वाली होगी उसको माइनस कर दें और जो माइनस वाली होगी उसको प्लस कर दें। अब देखें यहाँ पे ए आपको दिया गया है 4 3 2 6, इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि ए के साथ माइनस का साइन, तो 4 प्लस वाला इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, 3 प्लस वाला तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, 2 प्लस वाला तो इसके साथ भी माइनस, 6 प्लस वाला तो इसके साथ भी माइनस, ये आपने ए का क्या मालूम कर लिया एडिटिव इनवर्स। क्लियर है बच्चों, इसी तरीके से बी है
टू का स्केयर रूट थ्री, फिर फोर और थ्री का स्केयर रूट, तो इसका इन्वर्स हम करेंगे सिंपल, जो प्लस होती है रकम उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, जो माइनस वाली होगी उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिंपल है, इसलिए आपने ये खुद कर लेना है, क्लियर है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें कहते हैं कि ए आपको दिया गया है 2315, बी आपको दिया गया है 1746, शो डैट 4a-3a इज इक्वल टू ए और 3b-3a इज इक्वल टू 3b-a। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 4a-3a, तो 4 आगे ए की रकम लिखी हुई है 2315 माइनस 3 एस टीज, फिर बी की रकम है 1723 और 15, ठीक है। ये इन्होंने रकम वैसे यहाँ पे गलत लिखी है, यहाँ पे रकम बनती है हमारे पास, अच्छा जी ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू यही है। तो अब पहले 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 के साथ किया 12, 4 को 1 के साथ किया 4 और 4 को 5 के साथ किया तो 20। अब माइनस का नेक्स्ट इज, अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 के साथ किया 9, फिर 3 को 1 के साथ किया 3, फिर 3 को 5 के साथ किया तो 15। अब पहली में से दूसरी को माइनस का आपने जिस तरह ऊपर आपने किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से 8-6, 12-9, 4-3 और 20-15, तो आंसर क्या आ जाएगा 2315। और आप देख सकते हैं 2315 कौन सा मैट्रिक्स है, ए वाला मैट्रिक्स है, यानी 4a-3a किसके इक्वल आ गया, ए के, और हमने ये साबित करना था। अच्छा इसका सेकंड पार्ट बच्चों आपका होमवर्क है, ये आपने खुद कर लेने हैं, ठीक हो गया। इसका अपना पहला लेक्चर आज का हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।